अस्सलाम वालेकुम, मुझे नालो सजाद हुसैन शराय, मुस्लिम पब्लिक स्कूल ठरी मां पढ़ाई दो आया। एक्सरसाइज 5.3 या ग्रुप है हिसाब दा क्लास फर्स्ट ईयर। हाँ डॉक्टर साहब, असा कुछ नंबर 8 मिले लाए, शो देट द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म। असा एक मैट्रिसेस फॉर्म मिले लाए ट्रिग्नोमेट्री हिसाब दा। हाँ उन्हीं जगह असा एलिमेंट्स हैं वो बस हैं कॉस माइनस साइन साइन कॉस, वेयर थीटा इज रियल नंबर फ्रॉम एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप चाहे वा केमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई थे उन्हें गड़ो गड़ो आइडेंटिटी इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई थे। हाँ ऐसो हाँ असा कमिट प्रॉपर्टी वह कि मल्टीप्लिकेशन हिसाब ए मल्टीप्लाई बी बराबर बी मल्टीप्लाई ए उन तहत असा कह हाँ ऐसो असेंगे मिसाल तौर मिले मेट्रेसिस बो अस पा लिखा ए एलिमेंट कॉस माइनस साइन साइन कॉस बी एलिमेंट पा क्या कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। हाँ असा कह कमिट प्रॉपर्टी हिसाब ए मल्टीप्लाई बी बराबर बी मल्टीप्लाई यो असें शिणी है। हाँ अस टेक लेफ्ट हैंड साइड कह टेक लेफ्ट हैंड साइड हाँ वह ओके ए मल्टीप्लाई बी हाँ अस ए मल्टीप्लाई बी इन तहत कॉस थीटा कॉस अल्फा मल्टीप्लाई कह तो वो कॉस थीटा कॉस अल्फा अड़े हिसाब माइनस साइन थीटा के साइन अल्फा मल्टीप्लाई कह तो माइनस साइन थीटा साइन अल्फा मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाँ कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाई कह तो माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा वरी वह माइनस साइन के थीटा के कॉस अल्फा मल्टीप्लाई कह माइनस साइन थीटा कॉस अल्फा ठीक है सही है। हाँ अस कहे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम साइन की कॉस अल्फा मल्टीप्लाई कह साइन थीटा कॉस अल्फा अड़ी तरह कॉस थीटा साइन अल्फा मल्टीप्लाई कह प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा हाँ ऐसा साइन थीटा के वरी माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाई कह साइन थीटा साइन अल्फा अड़ी तरह कॉस थीटा के कॉस अल्फा मल्टीप्लाई कह प्लस कॉस थीटा कॉस अल्फा। हाँ ऐसो अस फर्स्ट ईयर हिसाब से एक्स जो एक्सरसाइज 10.3 के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन फार्मूला ठही है इन तहत लिखा है। हाँ ऐसो कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा छे बराबर हों कॉस अल्फा माइनस बीटा है असो यो फार्मूलो आ कॉस अल्फा प्लस बीटा जैसे इतने माइनस हो प्लस दींदा ठीक है। अड़ी तरह ये तो माइनस कॉमन कड़ा ये तो कॉस थीटा कॉस साइन अल्फा प्लस साइन थीटा कॉस अल्फा यो असो साइन अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा छो तो इतने अस माइनस कॉमन कड़ी आ अड़ी तरह असो साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा यो भी असो फॉर्मूलो कड़ो ठहन इतने थो कॉस थीटा साइन अल्फा माइनस साइन थीटा कॉस अल्फा ये सही साइन जो सही ये थी तो कॉस सॉरी इतने अस लिखा कॉस अड़ी तरह इतने साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा इतने अस ठहन बबा साइन थीटा प्लस अल्फा साइन सॉरी हाँ इतने भी असान लिखा माइनस माना कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा हाँ इतने भी असो ठहन फॉर्मूलो कॉस अल्फा प्लस बीटा तरतीब लिखा हाँ ऐसो अस ए मल्टीप्लाई बी थी अड़ी तरह से बी मल्टीप्लाई ए कह बी मल्टीप्लाई ए मतलब इनके मल्टीप्लाई कह हाँ ऐसो कॉस अल्फा के कॉस थीटा मल्टीप्लाई कह कॉस अल्फा कॉस थीटा हाँ ऐसो वरी अस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस साइन अल्फा के साइन थीटा मल्टीप्लाई कह माइनस साइन थीटा साइन अल्फा हाँ ऐसो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम थी वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम
वरी कॉस अल्फा के माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा वरी वा वरी माइनस साइन अल्फा के कॉस थीटा मल्टीप्लाई करना है माइनस साइन अल्फा कॉस थीटा एडी तरह देवा वरी ऐसा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा कॉस थीटा मल्टीप्लाई करना है साइन अल्फा कॉस थीटा वरी बाबा कॉस अल्फा के माइनस साइन थीटा सॉरी साइन अल्फा के कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर दे वरी कॉस अल्फा के साइन थीटा मल्टीप्लाई करना है प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा एडी तरह वा असान चाकना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम थियो सेकंड रो सेकंड कॉलम हाँ सो असान कदा साइन अल्फा के माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फा साइन थीटा अड़ी तरह कॉस अल्फा कॉस थीटा मल्टीप्लाई कदा प्लस कॉस अल्फा कॉस थीटा कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा हाँ असि फॉर्मुलो टही सागो ही कड़ो टही कॉस अल्फा प्लस बीटा वरी तो माइनस कॉमन कड़ा माइनस कॉमन कड़ा तो कर्ली ब्रैकेट सागो साइन अल्फा प्लस थीटा लिखूँ या थीटा प्लस अल्फा लिखूँ इनमें को फर्क कोने को वरी अड़ी तरह इत साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा तो इत भी असें साइन थीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस थीटा लिखो इन में को फर्क कोने को अड़ी तरह माइनस साइन अल्फा साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस साइन बीटा तो अस सागो लिखा कॉस अल्फा प्लस बीटा हाँ ऐसो ए मल्टीप्लाई बी जो एंसर ए बी मल्टीप्लाई ए जो एंसर माना सेम तो चे अस केमिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई थी हाँ अस इनवर्स प्रॉपर्टी इनवर्स प्रॉपर्टी के लिए पी मैट्रिसेस की वह इं लही वा ए इनवर्स एड जॉइंट ए डिटरमाइन ऑफ ए हाँ ऐसो एड जॉइंट ए क्या लगा हाँ समझो ए ज एलिमेंट पर डिटरमाइन ऑफ ए लूँ तो ये सिंगुलर है नॉन सिंगुलर जैसे सिंगुलर हों तो असो इनवर्स न लगा जैसे नॉन सिंगुलर हों तो असो इनवर्स लगा हाँ डिटरमाइन ए क्या लगा हुआ हाँ डिटरमाइन ऑफ ए की मल्टी क्या हुआ ए सी माना ए सी माइनस बी डी ए सॉरी ए डी माइनस बी सी ए के डी से मल्टीप्लाई करना है कॉस के कॉस से मल्टीप्लाई करना है जो आगे कॉस थीटा स्क्वायर और माइनस फार्मूला माइनस ए साइन के साइन से मल्टीप्लाई करना प्लस साइन थीटा स्क्वायर हाँ ऐसो कॉस थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा छा बराबर आ वन जी इत वन लिखो माना असा डिटरमाइन जो वन तो अच्छे ये नॉन सिंगुलर आ हाँ अस यूनिवर्स लगा एड जॉइंट ए एड जॉइंट ए क्या बाबा मिसाल तौर ना ए बी सी डी आसा उन एड जॉइंट ए लगा बाबा माना ए जगह डी और माइनस बी मल्टीप्लाई करना है माइनस सी इन जगह ए असा जो मतलब एड जॉइंट ये लगो हाँ ऐसो एड जॉइंट ए क्या लगा हाँ ए जगह कड़ा वेलन बा इन का सागी छो तो बिनी पास का सागी है हाँ माइनस से मल्टीप्लाई करना है माइनस माइनस चाहिए प्लस मतलब साइन थीटा वरी सी जगह से प्लस आते माइनस मल्टीप्लाई करना है वरी वो आते का सागो ठीक है हाँ अस ए इनवर्स क्या लगा ए इनवर्स एड जॉइंट ए डिटरमाइन ऑफ ए मतलब वा कॉस साइन माइनस साइन कॉस हेठो वन लिखा सागो अस एंसर मतलब इन इनवर्स भी अचे तो पो हाँ अस अस लगा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या हों ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स बराबर आए जे जे आए मतलब आइडेंटिटी आए मतलब छा आइडेंटिटी हाँ ए की रकम छा कॉस ठीक है हाँ अस ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स बराबर आए प्रूफ कर।
ए जा एलिमेंट ए इनवर्स अस मालूम कर चुका हूं यो ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स यो बराबर जे आइडेंटिटी हां दिसो वा ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स मल्टीप्लिकेशन की कबे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हां दिसो कॉस के कॉस से मल्टीप्लाई करना है कॉस थीटा स्क्वायर इंदो और एडी तरह वा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई करना है इंदो प्लस साइन थीटा स्क्वायर हां दिसो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कॉस के साइन से मल्टीप्लाई करना है जावे इंदो कॉस थीटा साइन थीटा और एडी तरह वा माइनस साइन थीटा के कॉस थीटा मल्टीप्लाई करना है माइनस कॉस थीटा साइन थीटा सही है वरी दिसो वा अस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ना साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई करना है साइन थीटा कॉस थीटा वरी वा आन दिसो कॉस के माइनस साइन ना करना है माइनस तो अस इन कॉस थीटा साइन थीटा लिखूं इन में को फर्क कोने को वरी एडी तरह वा साइन थीटा मल्टीप्लाई करना साइन थीटा स्क्वायर वरी कॉस के कॉस से मल्टीप्लाई करना कॉस थीटा स्क्वायर हाँ दिसो वा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता वन जी इन कर ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स इत वन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल एडी तरह साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माना थोड़ा सा रीअरेंज कर लिखा सेम आंसर इंदो मान यो भी कैंसिल मान इन जगह जीरो लिखा इन जगह जीरो लिखा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता वन जे इतने लिखा वन मतलब आइडेंटिटी देखो असो आइडेंटिटी मतलब ऑर्डर टू है वन जीरो जीरो वन मतलब अस यूनिट मैट्रिक्स मतलब असेंगे आइडेंटिटी अचे असो प्रूफ थी ऑपरेंट ग्रुप।